हे गाइस, आई एम जेक, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कैलगरी में रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह की रेंटल प्रॉपर्टीज कैलगरी में अवेलेबल है और क्या उनके एवरेज रेंटल प्राइसेस हैं। उसके अलावा कौन से बेस्ट नेबरहुड्स हैं जिसमें आप रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग ऑन्टेरियो से कैलगरी शिफ्ट हुए हैं 2 महीने पहले ही। अपनी रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए हम लोग 1 महीने तक एयरबीएनबी में रहे थे और हमने कैलगरी शहर के चारों कोने अच्छे से घूमे, उसके बाद अपने लिए मोस्ट सुटेबल रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ ली। देखो, रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढना भी एक स्किल है, एक आर्ट है, और इस बात पे याद आया दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किलशेयर। उसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो हमने अपनी सारी स्किल्स यूज करके जिस तरीके से ये रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढी वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको हेल्प मिले करेक्ट डिसीजन लेने में। रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है और वो है कैलगरी सिटी का लेआउट समझना। तो जैसे आप मैप पे देखोगे, कैलगरी सिटी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और इसके बीच में इनर सिटी यानी कि हमारा डाउनटाउन एरिया। अब ये जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं, इनके चारों के ऐसे हिस्से हैं जो डाउनटाउन के एकदम पास हैं। मान लो डाउनटाउन के मे बी 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर 5 मिनट्स पे, मैक्सिमम 10 मिनट में आप किसी भी क्वाड्रेंट से डाउनटाउन पहुंच जाओगे। इसी तरीके से इन चारों क्वाड्रेंट्स के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो डाउनटाउन से एकदम परे हैं। ओके, तो आपको मतलब ये मान लो कि 25 मिनट से लेके आधा घंटा तक लग सकता है उन जगहों से डाउनटाउन आने में। चलो, अब इसके बाद में आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज टू रेंट विच आर अवेलेबल इन कैलगरी। कैलगरी में ज्यादातर आपको लो राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग नजर आएंगी, यानी कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, उसमें अपार्टमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स उनमें लिफ्ट लगी हुई मिलेगी। उसके अलावा हाई राइज टावर्स भी हैं जो कि ज्यादातर डाउनटाउन के आसपास के एरियाज में मिलते हैं। उसके अलावा आपको डिटैच्ड हाउसेस भी मिल जाएंगे या फिर वॉकआउट बेसमेंट्स होती हैं या रेगुलर बेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और ये टाउन होम्स होते हैं और टाउन हाउसेस होते हैं, ये भी अवेलेबल हैं। तो इन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन में आपको पुरानी बिल्डिंग्स भी मिल जाती हैं और नई बिल्डिंग्स भी मिल जाती हैं। जितना ज्यादा डाउनटाउन के करीब चले जाते हैं उतनी ज्यादा जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो पुरानी हैं, और जब हम थोड़ा दूर निकलते हैं तो नई डेवलपमेंट्स और नई बिल्डिंग्स आपको मिल जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वाड्रेंट के बारे में, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार नजर डालते हैं स्किल शेयर के ऊपर, आखिर ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है क्या। तो गाइस, कैलगरी की बाकी बातें करने से पहले स्किल शेयर के बारे में बात करते हैं। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू घर पे बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में ले लो, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, फिल्म्स एंड वीडियो फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, यू नेम इट, और वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। और मेरा फेवरेट कोर्स मैं बता देता हूँ, मुझे वीडियो बनाने तो आते हैं, फोटो खींचने इतने अच्छी तरीके से नहीं आते, इसीलिए मैंने DSLR फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया है स्किल शेयर पर। एंड गाइज, द गुड न्यूज इज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, फर्स्ट 1000 व्यूअर्स टू क्लिक ऑन दैट लिंक विल गेट 1 month फ्री ट्रायल ऑफ स्किल शेयर प्रीमियम मेंबरशिप। और क्या चाहिए, क्लिक ऑन द लिंक। तो चलो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट के साथ। ओके, तो साउथ वेस्ट वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एरिया है कैलगरी में। हर किसी को साउथ वेस्ट में ही रहना है और उसके काफी सारे रीजन है। देखो, एक तो साउथ वेस्ट जो मैंने बताया था इनर सिटी के बिल्कुल पास है, डाउनटाउन में ही मान लो काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इनफैक्ट हम भी देखने गए थे एक कॉन्डो साउथ वेस्ट में 5th Avenue पे, जो कि बिल्कुल डाउनटाउन एरिया ही है। तो वहां पे हमने एक कॉन्डो देखा था 1 BHK, आई थिंक उसका एरिया था अराउंड 550 या 600 स्क्वायर फीट और रेंटल था $1400 per month, जिसमें इंक्लूडेड था एक कॉन्डो सोसाइटी का जिम, एक स्विमिंग पूल और एक बैंक्वेट हॉल या पार्टी हॉल कह लो। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो साउथ वेस्ट डाउनटाउन एरिया में घर ढूंढने की, वहां पे पार्किंग जो है वो रेंटल में इंक्लूडेड नहीं है। तो $1400 के ऊपर $200 per month सिर्फ पार्किंग के देने थे, कवर्ड पार्किंग के ऑब्वियसली। तो इसका मतलब आपका मंथली रेंट सीधा $1600 तो सिर्फ कॉन्डो और उसका हो जाता है, वो भी 1 BHK का। बट अगर हम कंपेयर करते हैं टोरंटो डाउनटाउन से, तो आई थिंक $1600 में फिर भी आप डाउनटाउन में यहाँ पे रह सकते हो विद कवर्ड पार्किंग। देन अगेन, साउथ वेस्ट जो कि डाउनटाउन के एकदम करीब है, अब ये आप 6th Avenue हो गई, फिर 17th Avenue हो गई, ये सारे जो एरियाज हैं यहीं पे हैपनिंग नाइट लाइफ भी है,
बिकॉज ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एरिया है, लाइक माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी भी है, तो जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो भी साउथ वेस्ट क्लोजर टू डाउनटाउन इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन बस यही याद रखना कि जो साउथ वेस्ट डाउनटाउन के पास है उसमें पार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या तो आपको अगर आपके पास गाड़ी है तो वो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग यूज करके वहां करनी पड़ेगी, और अगर अंडरग्राउंड कवर पार्किंग चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा $150 से $200 डिपेंडिंग ऑन विच सोसाइटी यू गो टू। अब वो लोग जिनकी फैमिली है बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल सिस्टम, तो उनके लिए साउथ वेस्ट का वो एरिया जो डाउनटाउन से थोड़ा दूर है यानी कि 15-20 मिनट दूर, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन। और उसका रीजन ये है क्योंकि जो ये कह लो सबर्ब बोल रहा हूं कि साउथ वेस्ट के जो सबर्ब्स हैं वहां पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमने इतने सारे स्कूल्स देखे हैं यहाँ पे, ऑन्टेरियो में कभी नहीं देखे उतने, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लेग्राउंड्स हैं सब कुछ इतना बड़ा बड़ा है, पूरा स्पेस दिया जाता है बच्चों को। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा जो थोड़ा दूर एरिया है साउथ वेस्ट के यानी कि डाउनटाउन से 20-25 मिनट दूर, उनका एक और बेनिफिट है वहां पे आपको रेंटल बेटर मिल जाएगा। और मैं घूमने गया था साउथ वेस्ट का थोड़ा जो दूर वाला एरिया है वो भी आपको दिखाता हूँ, वहां पे कैसी अपार्टमेंट बिल्डिंग अवेलेबल है और क्या रेंटल ऑप्शन है। तो ये साउथ वेस्ट का बहुत ही पॉश एरिया है, एकदम सेंट्रल है, और यहाँ पे इस तरीके के जैसे आप पीछे देख रहे हो टाउन हाउसेज आपको आराम से मिल जाएंगे, इनमें ये कवर्ड गैराज भी होते हैं। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स बिल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है इस एरिया में, लेकिन यहाँ से जब हम डाउनटाउन की तरफ जाते हैं साउथ वेस्ट में, वहाँ पर अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज बिल्डिंग भी बहुत सारी हैं। तो ये भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, थोड़े से मेन रोड पर पड़ते हैं, यहाँ शोर शराबा ज़्यादा होगा, बट देन अगेन आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो गाइस ये था साउथ वेस्ट का थोड़ा सा डाउनटाउन से परे हटके वाला एरिया। अब रेंटल्स की बात करते हैं, एवरेज रेंटल साउथ वेस्ट में क्या है। अब अगेन वो डिपेंड करता है कि आप डाउनटाउन के पास वाले में रह रहे हो या दूर वाले में, उसके बेसिस पे 1 BHK अपार्टमेंट आपको $1200 से लेके $1400 तक की रेंज में मिल जाता है, 2 BHK $1500 से $2000 तक की रेंज में आपको मिल जाता है। अब उसमें भी थोड़ा आपको नेगोशिएट करना पड़ता है पार्किंग के लिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी डीलिंग डायरेक्ट बंदे से है या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से है। अब साउथ वेस्ट में टाउन होम्स या डिटैच होम्स जो है वो दूर वाले साउथ वेस्ट में ही है, डाउनटाउन के पास नहीं मिलेंगे आपको, और उनका रेंटल्स वही आपकी $1800 से $2000 तक की रेंज में रहता है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग दैट टाउन हाउस और डिटैच्ड हाउस इज। अगर हम बात करते हैं रेगुलर बेसमेंट्स या फिर वॉकआउट बेसमेंट की, तो $500 से लेके $1000 तक के बीच में मिल जाती है। तो साउथ वेस्ट में जो बेस्ट नेबरहुड है जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो जगह रहने की, अगर एकदम डाउनटाउन के पास वाले ढूंढ रहे हो तो फिर वहां पे है ईस्ट विलेज, रिवर फ्रंट एंड बेल्ट लाइन। उसके अलावा थोड़ा दूर जाते हो तो बैंक व्यू, किलाने, माउंट रॉयल, ये अच्छे नेबरहुड्स हैं। और किसी को एकदम धूमधाम पार्टी एरिया चाहिए तो फिर 17th एवेन्यू साउथ वेस्ट इज द प्लेस। डाउनटाउन से थोड़ा परे चले जाते हैं अगर साउथ वेस्ट में, तो फिर कुछ अच्छे एरियाज ये हैं जैसे कि सनडांस, हेजबरो, अकेडिया एंड शिनू पार्क। चलो अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कैलगरी की। नॉर्थ वेस्ट भी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एरिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में ही है, तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट एक अच्छी ऑप्शन है, और फैमिली वालों के लिए भी नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न कैनेडा का लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है कैलवे पार्क, तो बच्चों का एंटरटेनमेंट आराम से हो जाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट इनफैक्ट मेरा फेवरेट एरिया है कैलगरी में, सीरियसली मतलब मैं जितना घूमा हूँ मुझे नॉर्थ वेस्ट से बेटर कुछ नहीं लगा। जैसे मैंने पहले बताया था दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक डाउनटाउन से थोड़ा दूर, एक डाउनटाउन के बिल्कुल पास। अब हम अगर थोड़ा सा दूर जाते हैं यानी कि 25 मिनट दूर,
नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल जन्नत बन जाता है, और ये रॉकीज माउंटेन के भी बिल्कुल पास है। तो ये पूरा एरिया ना हिल्स पे बना हुआ है, तो अलग अलग नाम है, जैसे सिमंस वैली है, बहुत अच्छा नेबरहुड है, फिर हिडन वैली रैंच एरिया है, ब्यूटिफुल एरिया। तो मोस्टली यहाँ पे घर हैं, डिटैच्ड हाउसेस और अपार्टमेंट एंड कॉन्डोज बिल्डिंग भी हैं बहुत सारे इनफैक्ट। तो जिन लोगों को ऐसी जगह पसंद है ना जहाँ शांति हो, थोड़ा नेचर हो, और वॉक के लिए जैसे वहाँ पे नोज हिल पार्क है, कॉन्फ्लुएंस पार्क है, पूरा हाइकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं, अमेजिंग प्लेस। बट वहाँ पे आपके पास गाड़ी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और बेसिक अमेनिटीज पूरी हैं, मतलब शॉपिंग हो गई आपकी, फिर आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बच्चों के लिए पार्क हो गए, सब कुछ भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। चलो अब बात करते हैं एवरेज रेंटल्स की, ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन क्लोजर टू डाउनटाउन और फार अवे। तो 1 BHK में $1,300 to $1,400, एंड देन इन 2 BHK $1,600 to $1,700। रेंट वेरी करता है दो फैक्टर्स पे, एक तो आप डाउनटाउन के कितना पास हो, और दूसरा कि जिस बिल्डिंग में रहने जा रहे हो वो नई कंस्ट्रक्शन है या पुरानी है। तो नॉर्थ वेस्ट के जो बेस्ट नेबरहुड हैं, जो थोड़ा सा ब्यूटीफुल और नेचर के क्लोज वाली लोकेशन है, वो है आर्बर लेक, हैम्पटन्स, एजमोंट, हिडन वैली रैंच, सिमंस वैली, और वो नेबरहुड्स जो कि डाउनटाउन के पास वाले नॉर्थ वेस्ट में है, कैंसिंगटन, वार्सिटी, ये बहुत ही अमेजिंग नेबरहुड्स है, और यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेबरहुड्स है। चलो अब बात करते हैं साउथ ईस्ट कैलगरी की। तो साउथ ईस्ट ऑफ कैलगरी जो है यहाँ का प्राइमरी इंडस्ट्रियल हब है। तो साउथ ईस्ट कैलगरी जो एकदम डाउनटाउन के पास वाले कुछ नेबरहुड्स जो कि पॉपुलर हैं, वो है इंगलवुड है, फिर फॉरेस्ट लॉन एरिया है, उसके बाद एल्बर्ट पार्क, ये कुछ ऐसे नेबरहुड हैं जो डाउनटाउन से 7-8 मिनट्स दूरी पे हैं, और यहाँ से LRT ट्रेन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ वो पूरा ट्रेन का नेटवर्क, और आप देखना डाउनटाउन के कितना पास है। तो ये स्टेशन है LRT का, यहाँ से आप बैठ जाओ आराम से, और विद इन 5 मिनट्स आप देखो ये सामने डाउनटाउन आप पहुंच जाओगे। तो ये जो साउथ ईस्ट के पॉपुलर एरियाज हैं, इनमें किस तरीके के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको एक दिखाता हूँ। अब ये जो साउथ ईस्ट है, जो डाउनटाउन के बिल्कुल पास है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है न्यू कमर्स के लिए। मैं रीजन बताता हूँ, एक तो डाउनटाउन से 5 से 10 मिनट दूरी पे है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो रेंटल्स हैं वो अफोर्डेबल हैं। आपको 1 BHK $1,200 तक में मिल जाएगा इंक्लूडिंग पार्किंग, और 2 BHK आपको $1,400 तक में मिल जाएगा इंक्लूडिंग पार्किंग, आपको सेपरेट पे नहीं करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम यू आर राइट नेक्स्ट टू डाउनटाउन, उसके अलावा अमेनिटीज भरपूर, सब कुछ, मतलब कि बेसिक ग्रोसरीज से लेके बड़ी शॉपिंग भी करनी है तो भी अवेलेबल है, आइकिया, कॉस्टको, वॉलमार्ट, सब 10 मिनट की दूरी पे है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स, बच्चों के लिए स्कूल, सब कुछ भरपूर मात्रा में अवेलेबल है साउथ ईस्ट कैलगरी क्लोजर टू डाउनटाउन में। इवन जब हम दूर चले जाते हैं वहां पे भी बेसिक अमेनिटीज की कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट कैलगरी की। तो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये एरिया भी नया डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे रेंटल्स जो हैं वो आपको मोस्ट अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे, और ये कैलगरी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। एक जो मुझे माइनस इसका लगा नॉर्थ ईस्ट का, वो ये था, क्योंकि हम एक हफ्ते वहाँ पे रहे थे एक फ्रेंड के घर पे, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास गाड़ी होना जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है आपको डाउनटाउन तक लाने के लिए, या आपको बेसिक ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह भी कहीं जाना है, जैसे वॉलमार्ट हो गया या कॉस्टको हो गया, तो मतलब कि 20 मिनट की कार ड्राइव लगती है नॉर्थ ईस्ट से इन जगहों पे जाने के लिए। हालांकि कुछ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जैसे सनरिज मॉल, क्रॉस आयरन मिल्स, ये सब नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही लोकेटेड हैं, लेकिन जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है ना वहाँ से एक ड्राइव बनती है कहीं भी जाने के लिए, तो गाड़ी होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अगला प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मल्टीकल्चरल कम्युनिटी बोलूँगा मैं, हर जगह से यहाँ पे लोग आके बसे हुए हैं, बट सबसे ज़्यादा अपने हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। तो अगर आप
चाहते हो कि आप आते ही अपनी कम्युनिटी के लोगों वाले एरिया में रहना चाहते हो, देन आई वुड से नॉर्थ ईस्ट नंबर वन चॉइस है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे अपार्टमेंट्स हैं या कॉन्डोज हैं या टाउन हाउसेज हैं, सब नए हैं। एवरेज रेंटल की बात करें तो 1 BHK 1200 तक की रेंज में आ जाते हैं, 2 BHK 1400 तक की रेंज में आ जाते हैं। पार्किंग नेगोशिएट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कवर्ड पार्किंग आपको दे रहे हैं। अगर यहाँ पे पार्किंग के एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं तो $50 से $75 में आपकी बात बन जाएगी इन कंपैरिजन टू डाउनटाउन इन साउथ वेस्ट, जहाँ पे $200 पर मंथ पार्किंग का मांगते हैं। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में सबसे पॉपुलर जो एरिया है जहाँ पे ज्यादातर अपनी इंडियन कम्युनिटी रहती है वो है स्काई व्यू रैंच एरिया, तो आप रिसर्च करके देख सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एरियाज हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी कैलगरी में रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने में, क्योंकि एक बार आपको सब डिफरेंट क्वाड्रेंट्स और उनके प्लस एंड माइनस पॉइंट पता लग जाते हैं तो फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है, एक करेक्ट डायरेक्शन मिल जाती है। और प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए मैं कहता हूँ बेस्ट तरीके हैं आप या तो किजीजी पे देख लो या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे। हमने भी अपनी प्रॉपर्टी फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढी थी, उससे ये फायदा हो जाता है आपको पता लग जाता है लैंडलॉर्ड कौन है, हमारे लैंडलॉर्ड इंडियन ही है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रही, प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइन था और बहुत ही थैंकफुल उनका कि उन्होंने हमारे लिए इतना इजी बना दिया ये सारा प्रोसेस। तो ये एक फायदा हो जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस में, आपको बंदे के बारे में पता लग जाता है। उसके अलावा कुछ कमर्शियल साइट जैसे rentfaster.ca rentwell.ca ये भी है, इन पे भी आप चेक कर सकते हो जस्ट टू कंपेयर प्राइसेस एंड एवरीथिंग। ऑलराइट गाइस, सो इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू यू। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प यू, इफ इट डिड गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइस सून, टिल देन एंजॉय योर लाइफ।